ये हमारे पास प्लेसेंटा का मॉडल है। प्लेसेंटा जो होता है वो फीटो मैटरनल ऑर्गन होता है, एक इसका पार्ट जो होता है वो फीटे से आ रहा होता है। अब ये जो है ये फीटो साइड है और ये जो दूसरी जो वाली साइड होती है ये मैटरनल साइड है, जिसको हम डेस्ट्रो बिजाइलस भी कहते हैं। अब जो हमारे पास फीटो साइड है यहाँ पे अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, अम्बिलिकल कॉर्ड में हमारे पास एक अम्बिलिकल वेन होती है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही होती है। अब यहाँ पे इन्हें गलत बनाई हुई है और दो अम्बिलिकल आर्टरीज होती हैं जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं। उसके बाद जो अम्बिलिकल वेन है यहाँ पे इन्हें ब्लू बनाई है, लेकिन ये रेड होनी चाहिए क्योंकि उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इसके बाद ये हमारे पास प्लेसेंटा आ जाता है। अब यहाँ से यहाँ तक जो एरिया है ना, जिसमें एक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सोमैटिक लेयर आती है, साथ में साइटोट्रोफोब्लास्ट आती है और सिंसिटिक ट्रोफोब्लास्ट आती है, इसको हम कोरियोनिक प्लेट कह रहे होते हैं। अब ये जो हमें विलाय नजर आ रहे हैं ये हमारे पास जो होते हैं ये कोरियोनिक या फिर टर्शी विलाय होते हैं। अब ये जो मेन विलाय होता है इसको हम स्टेम विलाय कहते हैं, और इनसे साइड से जो ये जो ब्रांच कह रहे होते हैं इनको हम ब्रांच विलाय कह रहे होते हैं। अब ये जो रेड रेड कलर की स्पेसिस है इनको हम इंटरविलर स्पेसिस कहते हैं, जहाँ पे मैटरनल ब्लड आ रहा होता है। अब मैटरनल साइड पर अगर हम देखें तो ये हमारे पास स्पाइरल आर्टरीज होती हैं रेड कलर की, जो कि यहाँ पे इंटरविलर स्पेस में आकर ड्रेन करती हैं। अब ये ब्लड जो है यहाँ से फिर ये ब्रांच विलाय में जाता है और यहाँ से फीटस को सप्लाई हो रहा होता है ब्लड। अब ये जो इस साइड पे है ये हमारे पास जो है ब्लू कलर वाली जो आ रही है ये सप्लाई वो सिंसिटोट्रोफोब्लास्ट होती है, ग्रीन वाली जो है वो साइटोट्रोफोब्लास्ट होती है, और बाहर जो है ये डेसिट्रल प्लेट होती है। इसके बाहर ये जो है ये हमारे पास मैटरनल पार्ट होता है प्लेसेंडा का, और ये डेसिट्रो बेजाइलस होता है बेसिकली, जहाँ से ये मैटरनल पार्ट अराइज कर रहा होता है। अब इसमें ये जो हमें सेप्टा नजर आ रहे होते हैं इनको हम कॉटिलिडेंस कह रहे होते हैं।